बीती रात भारी बरसात के चलते जहां कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदियां उफान पर रही, तो वहीं सड़कों पर पहाड़ों का मलबा आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई घंटों जाम लगा रहा, जिसकी वजह से मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गई। वहीं विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी इस जाम में फंसे हुए हैं। तस्वीरें हैं कर्णप्रयाग की। मॉनसून अपने प्रचंड रूप में आ रहा है, नदियां नाले उफान पर हैं और जगह जगह पहाड़ों से मलबा गिरने से रास्ते भी जाम हो रहे हैं। कर्णप्रयाग से हमारे संवाददाता हैं जितेंद्र, फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जितेंद्र, जिस तरीके से मॉनसून प्रचंड रुख अख्तियार कर चुका है, नदियां नाले उफान पर हैं, जगह जगह पहाड़ गिरने से रास्ते जाम हो रहे हैं, क्या अपडेट है आपके पास? आज ही देखिए, बीती रात से लगातार मूसलाधार बारिश होने के चलते चमोली जिले में यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो दो जगहों पर बीती रात को बाधित हुआ है। लामबगड़ में पहाड़ी से चट्टान खिसकने के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया था। वहीं गौचर और कर्णप्रयाग के बीच पहाड़ी से चट्टान खिसकने के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगभग 5 घंटे बाधित रहा। उसके बाद NH के जो कर्मचारी है मौके पर पहुंचे और उन्होंने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू किया। तो कुल मिलाकर यूं कहें कि मानसून आने के बाद पहाड़ों में चट्टानों से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून सीजन शुरू होने के साथ साथ अलकनंदा और पिंडर नदी भी यहाँ पे उफान पे है। नदी किनारे जो लोग रहने वाले हैं वो लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं 2013 की आपदा की तरह फिर पुनः यहाँ पर पुनरावृत्ति न हो जाए, इसके लिए प्रशासन भी यहाँ पर मुस्तैद बना हुआ है। जी जी जिस तरीके से ये रास्ते जाम हुए हैं, पहाड़ से मलबा गिरा है, उसको लेकर प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि इस मौसम में लोगों का सड़कों पर फंसे रहना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। जी देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से जब मानसून सीजन शुरू होता है तो प्रशासन भी इससे पहले जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त कर देता है। तहसील स्तर पर मॉकड्रिल की टीम होती है, किसी भी प्रकार की आपदा के आने पर वो टीम अलर्ट रहती है और जिलाधिकारी के द्वारा सभी तहसील के SDM को यहाँ पर चेतावनी निर्देश दिए गए हैं कि मानसून सीजन में कोई भी जो अपना तहसील मुख्यालय है उसको छोड़ कर ना जाए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो मलबा आने से राजमार्ग बाधित हुआ है और ऐसे में प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है, प्रयास किए जा रहे हैं कि मलबे को हटाया जा सके। नदियां नाले उफान पर है, मानसून प्रचंड रुख इख्तियार कर रहा है, ऐसे में जगह जगह लोगों को भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। पहाड़ों का मलबा गिरने से, राजमार्ग बंद हो जाने से कई जगह यात्री फंसे हैं। हालांकि प्रशासन मुस्तैदी से तमाम रास्तों को खोलने के प्रयास कर रहा है।